तो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी मैथ क्लासेस में। तो व्यूअर्स यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं शिक्षण विधि जो है कि आपके सीटेट एग्जाम में जो है कि यहाँ पे 2 से 3 प्रश्न जो है कि हर बार परीक्षा के अंदर जो है कि पूछे जाते हैं आगमन विधि और निगमन विधि को लेकर के, क्योंकि दो ही विधियां हैं जो आपके परीक्षा के अंतर्गत पूछी जाती है, आगमन विधि और निगमन विधि। तो यहाँ पे हम पहले बात करेंगे आगमन विधि क्या होता है। आगमन विधि को इंग्लिश में हम जो है कि इंडक्टिव मेथड कहते हैं। इंडक्टिव मेथड क्या होता है, आगमन विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। कोई भी चीज हमें तथ्य दे दिया गया होता है उसके बारे में हम जानते हैं और उसके बाद जो है कि हम अज्ञात चीजों के बारे में जो है कि जानने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पे दे दिया गया भारत का मैप दे दिया गया, आपको भारत का मैप दे दिया गया तो आप भारत देश को जानते हैं और उसके बाद उस मैप के अंदर जान लीजिए कि आप एक गांव का अध्ययन करिए कि गांव गांव के बारे में अध्ययन करिए। तो ये क्या होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर हम चलते हैं। इसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर बात करें, विशिष्ट से सामान्य की ओर की अगर हम यहाँ पे बात करें, सेकेंड आता है। तो विशिष्ट और सामान्य में क्या होता है, कोई भी चीज विशिष्ट हमको मान लो जैसे एक किताब दे दिया गया है तो किताब क्या होता है, विशिष्ट होता है उसके एक एक पाठ का जो है कि अगर हम अध्ययन कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता है, सामान्य की ओर हम जा रहे हैं। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर का भी मतलब यही होता है। जैसे विशिष्ट से सामान्य की ओर बात की है वही चीज यहाँ पे स्थूल से सामान्य की ओर होता है। जैसे मान लो कि आपको एक जो है कि सेब दे दिया गया, ठीक है, एक सेब दे दिया गया, आप उस सेब की वो बारीकी से अध्ययन करिए कि इसमें जो है कि इसमें कितना गूदा है, कितने बीज हैं, कितना मात्रा में वसा है, कितना फैट है, कितना प्रोटीन है, ऐसे अगर आप अध्ययन कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि स्थूल से जो है कि हम सूक्ष्म की तरफ बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे क्या किया जाता है, आगमन विधि में जो है कि पहले उदाहरण का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई भी हमें क्वेश्चंस करवाना है, कोई भी हमें प्रश्न करवाना है तो हम पहले उसके क्या करते हैं, उदाहरण पेश करते हैं। उदाहरण पेश करने के बाद जो है कि हम उसके बाद जो है कि सूत्र बाद में जो है प्रयोग में लाया जाता है। पहले उदाहरण बताया जाता है उसके बाद सूत्र को बताया जाता है और उसके बाद जो भी उदाहरण और सूत्र बताए जाते हैं पांचवा हम उसका क्या करते हैं, यहाँ पे उस शेष का जो है कि सत्यापन करते हैं। ये सभी 5 कंडीशन अगर हमको कहीं पे दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि जो है कि यहाँ पे आगमन विधि के बारे में बात किया जा रहा है। सीटेट एग्जाम के अंदर जो है कि हर बार परीक्षा में यह प्रश्न आपके पूछा जाता है। और सेकेंड बात करें तो हम निगमन विधि आता है, ठीक है, जिसे हम डिडक्टिव मेथड कहते हैं। डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, अज्ञात से ज्ञात की ओर, कोई भी चीज हमें दिया गया रहता है जो है क्या होता है, अज्ञात होता है, उस अज्ञात दी हुई चीज के माध्यम से जो है कि हम ज्ञात चीजों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। जैसे हमें गांव का नाम दे दिया गया, गांव दे दिए गए हैं, एक एक गांव का कलेक्शन करके हम जो है कि मान लो कि एक भारत देश बना देते हैं, ठीक है, तो हमें इस तरह से बना देते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं कि अज्ञात से जो है कि हम ज्ञात की तरफ बढ़ रहे हैं। उसके बाद समाज से विशिष्ट की ओर, छोटी छोटी जानकारियों के माध्यम से हम जो है कि बड़ी बड़ी जानकारियों को प्राप्त करते हैं। जैसे मान लो कि जैसे हमें एक बड़ा सा मकान बनाना है तो उसमें क्या करते हैं, हम ईंट प्लस सीमेंट और भी तमाम तरह के सरिया हुआ, गिट्टी हुआ, इन सब छोटी छोटी चीजों का हम मिला करके जो है कि एक बड़ी सी चीज जो है कि यहाँ पे बनाते हैं। ये क्या होता है, सामान्य विधि होता है। और इसी में तरह से सूक्ष्म से स्थूल की ओर का भी उदाहरण यही है, ईट और सीमेंट और सरिया और जो इन सब का प्रयोग करके एक मकान बना देते हैं, यही क्या होता है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर हम बढ़ रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात आता है निगमन विधि में, यही प्रश्न आपके सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं कि सूत्र का प्रयोग किया जाता है, कौन सी विधि में जो है कि सूत्र का प्रयोग किया जाता है, तो निगमन विधि होता है, इसके अंतर्गत हम जो है कि सूत्र का प्रयोग करते हैं। और पांचवा आता है जो है कि सिद्धांत और उदाहरण की ओर, हमें कोई भी सिद्धांत दिया गया रहता है उस सिद्धांत को पहले प्रस्तुत करते हैं उसके बाद उसके उदाहरण को प्रस्तुत करते हैं। जैसे कहीं पे दे दिया कि हमें गुरुत्वीय बल बताइए तो क्या होता है, एफ बराबर जो है कि जी एम वन एम टू अपान में आर स्क्वायर, हमें फार्मूला दिया गया है, ठीक है, इस तरह से फार्मूला दिया जाएगा। फिर हम इसके बारे में जानेंगे कि जो है कि कैपिटल जी जो होता है 6.67 गुणे 10 के पावर माइनस 11 इसकी वैल्यू होती है, और एम वन और एम टू क्या होते हैं, यहाँ पे एम वन और एम टू क्या होते हैं, द्रव्यमान होते हैं किसी दिए गए कण का, और आर क्या होता है, आर जो है कि दूरी होता है। इसी पे जो है कि हम क्वेश्चंस करवाते हैं तो हमें क्या होता है, हम सूत्र का प्रयोग करके उदाहरण की तरफ बढ़ रहे हैं। और हम इसी का अपोजिट कर दें, अगर हमें जो है कि उदाहरण दिया गया हो, उदाहरण से जो है कि हम सूत्र बाद में बताएं तो हमारा वो आगमन विधि हो जाता है, लेकिन पहले सूत्र का अगर प्रयोग किया गया है।
अगर पहले जो है कि सूत्र का प्रयोग किया गया है और उसके बाद उदाहरण पेश किया जा रहा है तो हमारा क्या होता है निगमन विधि होता है। और आगमन विधि में क्या होता है, पहले जो है कि यहाँ पे उदाहरण पेश किया जाता है उसके बाद जो है कि सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो यह टॉपिक आपके सीटेट एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी छात्र लेक्चर्स को दो तीन बार देखिएगा, आपके डाउट जो भी होंगे आगमन विधि और निगमन विधि को लेकर के 100% जो है कि क्लियर हो जाएंगे। और दो और तीन क्वेश्चंस आपके जो है कि एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो आपसे हम आगे नेक्स्ट किसी टॉपिक पर मिलेंगे जो आपके सीटेट एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो।